हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। और आज के ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग आप लोगों का यूनिट वन, जो पेपर टू का यूनिट वन है, उसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस पेपर का नाम ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। तो इसमें डीएनए के रिकॉम्बिनेशन और उससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स जो है इस पेपर टू में आएंगे, जिसमें पहला सबसे जो पहला टॉपिक है यूनिट वन का, उसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन केस अगर किसी को भी आवाज आनी बंद हो जाती है तो सब कोई भी एक मुझे कॉल कर देना, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप लोग तक आवाज जा रही है कि नहीं, वीडियो दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो पॉइंट नंबर वन, अगर मान लीजिए ये एक पर्सन है, पर्सन नंबर वन, और ये एक पर्सन है, पर्सन नंबर टू, ठीक है, इसका हमने जीन निकाल लिया, ठीक, और इसका भी हमने जीन निकाल लिया, ठीक है। इन दोनों की जीन या फिर डीएनए भी बोल सकते हैं हम लोग, दोनों का डीएनए या फिर जीन, जेनेटिक मटेरियल ही मान के चलिए, जो भी जेनेटिक मटेरियल है दोनों का हमने निकाल लिया, ठीक है। तो उसको निकाल कर किसी तीसरे में ट्रांसफर करना, तीसरे पर्सन में, पर्सन नंबर थ्री में ट्रांसफर करना, जिससे उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं या नया डीएनए बनाना, इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बेसिक बताया है, और एक्चुअल में अगर परिभाषा की बात की जाए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द ज्वाइनिंग टूगेदर डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, दो विभिन्न प्रजातियों के डीएनए के मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाकर जोड़ना, रिकम्बाइन करना, ठीक है, ज्वाइन करवाना दो अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को लेकर, ठीक है, और उसके बाद जो है उसे इंसर्ट करवाना किसी होस्ट, और होस्ट में आपके मतलब जो आपका होस्ट है, जिसपे आपके आपको प्रयोग करना है, जिस पर रिसर्च करना है, उस पर्टिकुलर होस्ट के में के जीन के अंदर या फिर के उसमें उसमें इंसर्ट करवाकर हम रिसर्च जो करते हैं, नया प्रोड्यूस करते हैं, नया जेनेटिक मटेरियल, उस पूरे प्रोसेसर को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से मैं बताऊंगी, जब हम दो विभिन्न प्रजातियों के, दो विभिन्न स्पीशीज के, टू डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए को लेकर कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद दोनों को डीएनए को मिला के हमने एक नया कंबाइन किया, एक कॉम्बिनेशन बनाया, अब इस कंबाइन वाले डीएनए को हम किस में ट्रांसफर करेंगे? हमारे होस्ट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस होस्ट का जो है, इस होस्ट में जो नया डीएनए जो गया वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, और ये जो हम ट्रांसफर करके इस पे रिसर्च करेंगे, पूरा जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है किस लिए किया जाता है? नया जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए। तो नया जेनेटिक मटेरियल हम कैसे बनाएंगे? नया जेनेटिक मटेरियल हम बनाएंगे अगर हम दो विभिन्न प्रजातियों के डीएनए को मिलाए, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि प्लांट्स का हाइब्रिड करवाते हैं, कुछ नया हम लोगों को चाहिए रहता है प्लांट्स में, अगर हम इस कलर का फ्लावर चाहते हैं, आप लोगों ने मेंडल्स लॉ पढ़ा है, तो वो क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं ना, एक का बीज दूसरे का बीज मिला के उन्होंने क्या क्या नया चीज बनाया। तो जस्ट लाइक दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी क्या हो रहा है कि एक स्पीशीज का डीएनए, दूसरे दूसरे स्पीशीज का डीएनए, दोनों को मिला के कंबाइन किया, नया डीएनए बनाया, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, ये बना आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उसके बाद फिर हम इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इंसर्ट करवाएंगे, जिससे जो है नया जेनेटिक मटेरियल हमने यहाँ पर बना ही लिया था, ये नया जेनेटिक मटेरियल है हमारा, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं होस्ट में। अब होस्ट में ट्रांसफर करने से क्या होगा, ताकि हम चीजों को समझे, इसके पीछे का साइंस क्या है, क्या चेंजेस हो रहे हैं इसकी बॉडी में, हमने नया जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करवाया तो मेडिसिन से रिलेटेड चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर सांप के काटने की दवाई हम लोगों को बनानी है तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग स्नेक्स को लेकर उनके डीएनए को सेपरेट करेंगे, दोनों के डीएनए से एक नया डीएनए बनाएंगे और उसको होस्ट के अंदर डाल के देखेंगे कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके, ठीक है। मेडिसिन की खोज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए मतलब कृषि के लिए, और आपके इंडस्ट्रियल यूज के लिए, रिसर्च के लिए यूज किया जाता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है।
अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है ये तो समझ गए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए शॉर्ट फॉर्म में आरडीएनए बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को शॉर्ट फॉर्म में आरडीएनए बोला जाता है। आर मीन्स रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए आरडीएनए यूज किया जाता है। फॉर अ पीस ऑफ डीएनए दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट टू स्ट्रैंड्स। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको बोलते हैं? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये वाला जो मैंने बताया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए का पीस है जिसको हमने दो विभिन्न प्रजातियों के डीएनए को मिलाकर बनाया है नया, उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को ही मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? आरडीएनए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये था आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बोलते किसको है ये इससे पता चला। अब आगे देखते हैं। दे आर डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सच एज मॉलिक्यूलर क्लोनिंग टू ब्रिंग टुगेदर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस क्रिएटिंग सीक्वेंस दैट वुड नॉट अदरवाइज बी फाउंड इन द जीनोम। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब ये कैसे होगा? जाहिर सी बात है, हम घर पे तो करेंगे नहीं इसको। घर पे आप क्या करोगे? अपने अंदर से डीएनए निकाल लोगे? फिर कैसे वो हो सकेगा पॉसिबल? चलो ठीक है, नीरज का डीएनए निकालते हैं, एक तरफ अभिषेक का डीएनए निकालते हैं, दोनों को घर में करके रिकम्बाइन करते हैं। इज इट पॉसिबल? नो, पॉसिबल नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है, लेबोरेटरी में इसका प्रोसेस किया जाता है। अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। उसके उपरांत जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस होती है और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो तैयार होता है, ठीक है। तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये लेबोरेटरी मेथड से किया जाता है, जिसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किया जाता है। लेबोरेटरी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब जिसमें जीन्स को लेकर रिकम्बाइन किया जाता है, अलग अलग विभिन्न प्रजातियों की जीन्स को लेकर रिकम्बाइन किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या किया जाता है, कि पहला स्टेप वाइज जो है हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। पहले तो ये जानना जरूरी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस करते हैं हम लोग लेबोरेटरी में, जिसमें आप लोगों का क्या चीज आता है? आप लोगों का है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। एक मॉलिक्यूलर क्लोनिंग जो है एक प्रोसीजर होती है, एक तरीका है। जैसे आप लोगों का जो अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं आप लोग, क्रोमेटोग्राफी करते हैं आप लोग, कल्चर टेक्निक करते हैं ना, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किया था, वैसे ही आप लोगों का मॉलिक्यूलर क्लोनिंग जो है एक प्रोसीजर है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के जरिए जो है हम क्या कर सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस को हम कर सकते हैं, क्लोन बनाते हैं उसमें जिसमें हम लोग, ठीक है। जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसकी सहायता से जेनेटिक मटेरियल को आपस में क्या करवाते हैं? कंबाइन करवाते हैं। जब हमने इसका डीएनए निकाल लिया, इसका डीएनए निकाल लिया, अब दोनों को रिकम्बाइन जब करना है, मतलब जोड़ना है एक दूसरे को, साथ में ला के इन लोगों को रिएक्ट करवाना है, जब क्रॉस करवाना है, तो उस पूरे प्रोसीजर को हम लोग मॉलिक्यूलर क्लोनिंग की प्रोसेस जो है वो बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्लोनिंग करवाते हैं, जिससे जो है नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोगों को प्राप्त हो। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रोसीजर होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट अचीव्ड इन 1973 बाय हर्बर्ट बोयर। अब इसके अगर इतिहास की बात की जाए तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने सबसे पहले अचीव किया, आइडिया कैसे आया, ये सब हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। तो हिस्ट्री इसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर हिस्ट्री या फिर इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे सबसे पहले 1973 में अचीव किया गया था, मतलब बनाया गया था। किसने बनाया था? साइंटिस्ट थे हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1973 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब एक जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उसका एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। ये कहाँ से थे, किस जगह से, इन्होंने कहाँ पर प्रयोग किया था? इन्होंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया
सैन फ्रांसिस्को का यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। एंड स्टैनली कोहेन, इनके साथ एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने मिलकर किया था इस काम को, स्टैनली कोहेन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हु यूज्ड इकोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू प्लास्मिड। अब यहाँ पर जो दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने तो पहला, ये जो साइंटिस्ट थे हमारे हर्बर्ट बोयर नाम के, इन्होंने तो 1973 में पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको बना लिया था। लेकिन इस प्रोसीजर के बारे में जो है धीरे धीरे चीजें हम लोगों को पता चलती है, आप अच्छे से जानते हैं, एक रिसर्च होता है, एक चीज पता चलती है, तो उसी के काम को दूसरा साइंटिस्ट जो है आगे बढ़ाता है। अब इसके बाद जो है दूसरे साइंटिस्ट जो आए, वो साइंटिस्ट ने क्या किया कि देखो, अब आपका एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, इन दोनों के डीएनए को मिला के जो हम नया डीएनए बना रहे हैं जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के बाद जो है तीसरे पर्सन में ट्रांसफर करना भी एक कार्य है। ठीक है, तो तीसरे मतलब आपके जो होस्ट है उस होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी एक माध्यम की जरूरत होती है। आप जैसे एक बात बताइए, अगर आप कॉलेज आ रहे हैं तो कॉलेज आने के लिए आपको एक सुविधा चाहिए ना, गाड़ी की, ट्रेन की, बस की, जिसकी भी, उस माध्यम के जरिए ही आप यहाँ तक के पहुंचेंगे, अदरवाइज यू कांट। ठीक है, तो वो जो, और उसमें बैठेंगे गाड़ी में, उसके बाद आप यहाँ आके उतरेंगे और पहुंचेंगे ना, वैसे ही हम लोगों को एक माध्यम चाहिए रहता है, एक मीडियम चाहिए रहता है जिसके जरिए ये जो हमने आर डीएनए बनाया है, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको हमको इसमें इंसर्ट कराना है। तो ये सबसे बड़ा टास्क था। तो इसी बारे में दूसरे साइंटिस्ट ने थोड़ा सा डिस्कवर किया, नया डिस्कवरी किया। क्या किया उस साइंटिस्ट ने, कौन थे वो साइंटिस्ट, उसको देखते हैं। जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्टैनली कोहेन। स्टैनली कोहेन, इनके जो हर्बर्ट बोयर साइंटिस्ट थे, इनके प्रयोग के बाद स्टैनली कोहेन ने कार्य किया अपना। स्टैनली कोहेन जो थे वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही बिलोंग करते थे, ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इकोलाई को यूज किया। इकोलाई क्या है, आपका बैक्टीरिया है एक, इस्टीरियस कोलाई, ठीक है, ये इकोलाई के बैक्टीरिया के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, इस इकोलाई के बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, इकोलाई के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इन्होंने यूज किया, इकोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू इंसर्ट फॉरेन डीएनए इनटू प्लाज्मिड, ताकि जो आपने आर डीएनए मतलब जो फॉरेन डीएनए बनाया है इसको जो है प्लाज्मिड में ट्रांसफर किया जा सके, जो प्लाज्मिड है उसके अंदर ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, अब उसके बाद प्लाज्मिड ही है जो कहाँ जाएगा, आपके होस्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, हम लोग प्लाज्मिड पढ़े थे तो हम लोग, मैंने आप लोग को बताया था प्लाज्मिड जो है ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। तो स्टैनली कोहेन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इकोलाई के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, इस एंजाइम को यूज किया जिससे जो आपका आर डीएनए जो आपने बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हम क्या कर सके, इसको हम प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर करें। ये आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर ये वाला जो डीएनए है इसको ट्रांसफर कर दिए। अब ये प्लाज्मिड क्या है, आपकी बाइक है या बस है, अब ये प्लाज्मिड ये है जो कहाँ जाएगा, पर्सन नंबर थ्री में जाएगा, मतलब इसने डीएनए को बैठा लिया है अपने पास, और ये कहाँ लेकर जाएगा उसको, होस्ट के अंदर लेकर जाएगा, इंसर्ट कराने में काम आएगा। तो ये जो पहले तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का बहुत बड़ा हाथ था उसमें, तो इन साइंटिस्ट ने, इन्होंने यही बात किया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके क्या किया, आरडीएनए जो फॉरेन डीएनए बना हमारा, फॉरेन डीएनए जो बाहर का डीएनए है, आपकी बॉडी का डीएनए जो नॉर्मल डीएनए, बाहर से कोई डीएनए आ रहा है इंसर्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, फॉरेन डीएनए कहलाता है, या फिर बाहर से कोई वायरस भी आ रहा है तो वो फॉरेन सब्सटेंस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुस जा रहे हैं, आपकी बॉडी में अगर कोरोना वायरस इंसर्ट हो रहा है तो कोरोना वायरस इज व्हाट, कोरोना वायरस इज अ फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, तो जो बाहर की चीज रहती है जो हमारी बॉडी में इंसर्ट करती है उसके लिए हम फॉरेन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉरेन डीएनए जो है उसको इंसर्ट कराने के लिए, या फिर आर डीएनए को हम प्लाज्मिड में इंसर्ट करा सके, उसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इकोलाई का होता है
उसके बारे में स्टडी किया, उसके उसके बारे में इन्होंने बताया। तो इन्होंने सबसे पहले इकोलाई के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही यूज किया था, ताकि जो है आपका फॉरेन डीएनए है वो प्लाज्मिड में जो है वो इंसर्ट हो सके। अब आगे देखते हैं, ये तो थी हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद और क्या चीजें हैं उसको भी देखते हैं। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो टेक्नोलॉजी है, मतलब जो आपका डीएनए रिकॉम्बिनेशन, या फिर इसके लिए अगर मैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वर्ड यूज करूं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल ही है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसे करने के लिए जो स्टेप्स हैं उसे हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि पहला पहला क्या पहले क्या स्टेप होता है, क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें जो है अब हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस किया कि आप लोग का रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी को सबसे पहले किसने यूज किया, तो किसने किया, 1973 में हर्बर्ट बोयर नाम के साइंटिस्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के थे, इन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनाया था। और जो इनका साथ किसने दिया था, इन्होंने स्टैनली कोहेन ने क्या किया था, प्लाज्मिड के अंदर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने के लिए इकोलाई के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया था। तो इस प्रकार से इसकी हमने कुछ हिस्ट्री देखी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इससे क्या फायदा है, होता क्या है, तो अब एक बात बताइए, अगर किसी साइंटिस्ट ने मुझे यूज किया मतलब होस्ट, ठीक है, कि मेरे ऊपर प्रयोग किया जाएगा और देखा जाएगा कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मेरा डीएनए मेरा खुद का डीएनए है, लेकिन मेरी बॉडी में अगर कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करवाया जाता है तो मेरी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, क्या मेरी तबीयत खराब होगी, या फिर मेरी बॉडी में कुछ नया चेंजेस आएगा, कुछ नया बिहेवियर हो जाएगा, मेरे मेरे जिस चीज का डीएनए इंसर्ट कराया गया है वो बहुत डिपेंड करता है कि आपके जो जिसमें ट्रांसफर किया गया, जैसे मेरे अंदर अगर किसी दूसरे इंसान का डीएनए ट्रांसफर किया गया है तो मेरी बॉडी में हो सकता है उस इंसान में जो चीजें थी, अगर उस इंसान को कोई बीमारी थी तो हो सकता है वो मुझ में आ जाए, तो स्टडी करने के लिए, या फिर हो सकता है मेरे मुझ में जो बीमारी है वो जो बीमारी है वो पता नहीं क्यों जो हो रही है वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो मेरे मुझे ठीक करने के लिए, उस बीमारी को ठीक करने के लिए, मेरे अंदर जो बीमारी है उसे ठीक करने के लिए हम दूसरे का डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें वो बीमारी नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा जो कोविड जिनको हुआ है, कोविड होने के बाद जो जो ठीक हो रहे हैं उन लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं अपना, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा जो है हेल्दी प्लाज्मा हो जाते हैं, उन लोग की स्ट्रांग प्लाज्मा हो जाता है जो लोग कोविड से रिकवर हुए रहते हैं, तो उन लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं। तो प्लाज्मा भी एक प्रकार का आपका, उसके साथ साथ आपकी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल भी तो जा रहा है ना, हालांकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता रही हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग विभिन्न प्रजातियों के डीएनए को लेकर हम दूसरे के बॉडी में इंसर्ट करवा रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करवा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो कि आपको पता चले कि क्या चेंजेस हो रहे हैं होस्ट की बॉडी में, नया नया मेडिसिन आप डिस्कवर कर सकते हैं, कृषि में नई चीजें क्रांति ला सकते हैं, नई नई फसलों के बारे में जान सकते हैं, फिर आपके बहुत सारी चीजें रिसर्च में सबसे बड़ा यूज है, क्योंकि आज के डेट में जो कोविड की सिचुएशन आई है उससे हमको पता चल गया है कि रिसर्च करना कितना जरूरी है। रिसर्च आप लगातार करते रहेंगे तो चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे, भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में भी जान पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों का टाइम जो है खत्म होने वाला है, तो जो स्टेप्स हैं इसको मैं कल बताऊंगी, अभी आप लोगों के मैं डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। मैम मैम हाँ बेटा बोलो, मेरे पास अटेंडेंस लिंक नहीं आया है, मैं भी